नमस्कार अर्गस विशेष उपस्थापना को आपन को स्वागत करछु मु दुर्गाशीष जो टॉपिक अछि जे दोष स्वीकार करिवे कि संतोष उपाध्याय हेउछंती जेल डीजी एवं जते बेले हैदर को ओडिसा आणा जायछि एवं सीपी सोमेंद्र प्रियदर्शी पूरा कहानी कहउछंती किंतु सेते बेले असंभव निरवता रहिछि ए सार संतोष उपाध्याय को मुहरे काही कि से मुह खोलु नांती जेल रे थिला हैदर ताकु हॉस्पिटल आणा गला बुर्लारु एठुक अणगला एससीबी को एवं पूरा घटन गोटे बड़ कन्स्पिरेसी आ बड़ षड्यंत्र जल जल हो दिशुची आ सबुठ बड़ कथा ये भाई भाई बिरादरी एवं संतोष उपाध्याय को घंट घोड़ापी भी प्रयास आज सोमेन्द्र प्रियदर्शी कहले जे एससीबी मेडिकल को अणा जाइला एससीबी मेडिकल हैदर थिला आम फांडी को बा पुलिस को जनइबार कौन आवश्यकता ना आम जानलु तीन घंटा पर पलैला कितु बड़ प्रश्न या जे गोटे गैंगस्टर जितेबाला आसिकी पुलिस एस्कॉर्ट्रे रहुची लोकल पुलिस स्टेशन को जनइबार आवश्यकता अच्छी ना ना ये भी प्रश्न घेर आदि ना तो गैंगस्टर सुरक्षा जो मैंने सुरक्षा दौले से होटेल रोते से षड्यंत्र सामिल तेल तीन घंटा भितर ये तो खसिकी पलैला ये एते बड़ त्रुटि केमी रहा ना ये जाशु कि आ कहीं संतोष उपाध्याय जेल डीजी आपण नीरव काहीकि आपण काहीकि मुह खोलू नांती ये बड़ प्रसंग जे जने गैंगस्टर पुलिस एस्कॉर्ट रो पुलिस सुरक्षा भितर खसिकी पलाऊ पुणी भिन्न मत आसुची किए कौची से मो जो एफआईआर दिया गला से कहगला जे मुहरे विषाक्त द्रव्य कौन फोपाड़ी देखी पलैले किए किए कहला जे धक्का मारिकी पलैले पुणी बिरयानी कथा आसला बिरयानी खाई हैदराबाद छु मारला आ समस्ते चुप रही गले सोमेन्द्र प्रियदर्शी कहते आमको जनइबार आवश्यकता नथिला ताहले जो क्रिमिनाल आसबे ट्रीटमेंट हाँपी लोकाल फांडी जानवनी जड़े दिज पुलिस रे धक्का मारिकी बिरयानी खुएकी विषाक्त द्रव्य पकईकी छु मारे आ पुलिस कह आमको जनइबार आवश्यकता नथिला आ संतोष उपाध्याय सार आपण काहीकि मुह खोलू नांती राज्यवासी प्रश्न पचारुछंती को मुहरे तुंडी काहीकि आपण जवाब दौना जे केउ परिस्थिति रे जने एते बड़ क्रिमिनल जने डन जने गैंगस्टर खसिकी पळेला ए दायित्व आपणकर थिला आपण उत्तरदायी आपण काहीकि चुप आम सहित वरिष्ठ सांबादिक सुत अनंत महांती जोड़ी होती सुत अनंत महांती एबे बड़ प्रश्न नीरवता को लेकिन जेल डीजी संतोष उपाध्याय से उत्तरदायी से किंतु चुप निश्चित भाव हैदर जो भाव फेरार हला एक नाटकीय ढंग एवं पूर्व परिकल्पित योजनाबद्ध भाव एक कार्य तीन तीन थर से कटक को आसी किंतु आज जो कथा आईपीएस महोदय कहते आईएस महोदय मान कहते से मुख संविधान नुह कि मुख आईन नुह आईन रो गोटे निर्दिष्ट धारा रही तार कागज कलम रही जो भली भावे विगत दिन रे जेल पाई जो एसओपी तैयारी होता जो गाइडलाइन तैयारी होता 2017 कि 18 बोधे तार नूतन गाइडलाइन तैयारी से जो संस्कार अणा जेल संस्कार से अनुसार से भितर कौन अच्छी न अच्छी ताकि तर्जमा कर उत्तर रखार आवश्यकता रही किंतु एते सब घटना घटला पर जेल डीजी केबे भी दोषरु मुकुली पारिबे नाही जे नीरव रहिबा ता माने नुहजे से निर्दोष हो जिबे निश्चित भावे से पक्ष रखिबार आवश्यकता रही जदि से जेल विभाग रो मुखिया होई जेल भितर कौन घटुची समग्र ओडिसा रे ताहा से जानी परु नांती जने खुंकार अपराधी जने दुर्धांत अपराधी से फेरार ही जाउची एवं कौनसी प्रकार शर्तावली को बा कौनसी प्रकार निर्देशावली को न मानी जेल विभाग रो अधिकारी माने सीधा सड़क कटक को रेफर करिसंती से केउ परिस्थिति रे केउ माने सिठी आसी रहिले किभली भाबे से माने लॉज रे रहिले ए जाबतीय घटना जेल विभाग रो डीजीपी को नजणा रे कोन अजानत रहिछि कि निश्चित भाबे जेल विभाग रो डीजीपी को जानत रे ही घटिबार जदि से जानी नांती चले याठु बड़ विडंबना कोन एते बड़ क्रिमिनल से कुआडे जाउछि केही ट्रैक करू नांती आ से पळौछि केही जानी पारू नांती सुक्त आनंद मानती बड़ कथा एटी सीपी कहउछंती जे केमिति गला जदि षड्यंत्र हेछि तार तदंत हबो किंतु एमे तो भाई भाई बिरादरी ये तदंत परिसर को नेबे नै एबे जेंति परिघटना रे प्रत्युष दिवाकरन को अरुण बथरा जेभली भाबे घंटो घुडेले
प्रत्युष दिवाकर क्षेत्र में कौन कार्यानुष्ठान निगला एवं सेठाकार आईआईसी उपरे कौन कार्यानुष्ठान निगला से आम स्पष्ट अनुमान कर गोटे आईपीएस भूल को आ गोटे आईपीएस किभली भाव घंट घोड़ा गोटे विभाग अधिकारी से विभाग अधिकारी किभली भाव घंट घोड़ा जोटि की 5T एवं मो सरकार कथा जोटि की ट्रांसफर्मेशन टीम वर्क टाइम जो सब कथा टी रे आसुची से 5T रो प्रश्न ये बड़ प्रश्न रही एणु से माने से 5T रो चाबुक एवं 5T को सुरक्षा ता सहित सेठाकार विभिन्न से संश्लिष्ट थिबा बड़ बड़ आईपीएस एवं आईएएस अधिकारी को सुरक्षा देवाई निश्चित भाव से कमिशनर पुलिस एभली कहिबार यथार्थ रही जदि से माने मुह खुलंती तांकर अधिकारी को सुरक्षा न दियंती सीपी जो कथा कहउछंती जतबे तांकु पचरा गला बिरयानी कथा चीकी गले एवं कहिले जे जणेबार आवश्यकता नथिला फांडी को ये जणे क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल गैंगस्टर हाइदर आसी के एसीबी रे रहिबो किंतु फांडी से मंगलाबाग थाना वाला से फांडी वाला जानिबार आवश्यकता नै ए कथा निजे सीपी कहउछंती कमिश्नर पुलिस त जणे आइन नहंती ना कमिशनरेट पुलिस कौन आईन को कार्यकारी करे कि आईन को से कौन गठन करे कि आईन को कार्यकारी करे आईन को तर्जमा कर क्षमता ना आईन को तर्जमा से कौन करे केवल कार्यकारी करे एणु जो भाई भाव जेल संशोधन आईन तैयार होती 2018 मसीह जो भाई भाव जेल रावतियों सर्तावली लागू होती निर्देशावली लागू होती सही कथा अनुसार कथा रखिबार आवश्यकता रही बीजेपी नेत्री मैडम बबीता पात्र मैडम ए जो अनंत महांती आप कहतु सीत अनंत महांती जो प्रश्न सीपी जो कथा मुझे कथा कहली सीपी जो कथा कहते सीपी निजे आईन नुहति से विगत दिन जहां सरकार निर्देशावली रही जहां विधानसभा पारित होती विधि व्यवस्था अनुसार कथा कहार आवश्यकता रही केमी नुह जन संबलपुर कटक को आने दुर्धांत अपराधी से दुर्धांत अपराधी केत कौटी जीव तार रिपोर्टिंग निश्चित भाव आईजे डीजीपी सहित जेल आईजी एवं जेल सुपरिटेंडेंट सहित जेल डीजी सहित सीधा सड़क हेबार आवश्यकता रही प्रत्येक दिन प्रति मुहूर्त तार रिपोर्ट जावाई व्यवस्था अच्छी जदि सीपी कहते तार व्यवस्था ना तो सी पार्टी न कही स्पष्ट भाव तार कागज देखु जे ना सी आसला पुलिस विभाग को कौन प्रकार जनईबार आवश्यक ना जदि पुलिस विभाग जनईबार आवश्यक नाला तीन घंटा चार घंटा पर्यटन कि कौन प्रकार भी जेल विभाग एसीबी कर्तृपक्ष एसीबी ऑफिशियल एवं पुलिस ये समस्त मिली भगत रे हैदर छु मारला एक सुक्त आनंद महांती निश्चित भाव गोटे बेल कोऑर्डिनेशन एवं बेल प्लान गेम जदि न होइथिबो से केबे भी जाइनि से संपूर्ण रूपे रेकी करिछि तीन थर से संबलपुर कटक अणा जाइछि एवं आज पर्यंत ता पाखरे की प्रकार रोग अच्छी से रोग संपर्क में कौन प्रकार सूचना मिलनी एणु पुलिस प्रथम से तदंत परिसर को नहीं तार खुलासा कर आवश्यकता रही केवल पुलिस दायित्व नुह गृह विभाग मंत्री भी दायित्व रही गृह विभाग सचिव भी दायित्व रही ष्ठ भाव एक कथा को लोकालोचन ष्ठ भाव आने दरकार आगामी दिन में जे एभली कार्य को बंद करने चाहते पुलिस कमिशनर ना आपरे अधिक प्रोत्साहित करने चाहते एभली कथा कहवा द्वारा एवं से आमर दायित्व ना बोली कहवा द्वारा एपराधी मान को गोटे प्रकार प्रोत्साहित कर तुम्हें आस एपटे रुह एवं थाना को कहार कौन आवश्यकता ना जहां तुम अनुसार कार्य कर फेरार हवा कथा से फेरार हूं बोली एक प्रकार जन दायित्वहीन मंतव्य गोटे दायित्ववान आईपीएस अफिसर एभली कथा केबे भी कहिबा उचित नुह प्रथमे संबलपुर जेल उचित नुह बड कथा आउछि न्याति सावासी नि हो खुशी हो जे हैदर को धरिल एवं आनिल ओडिसा आनिल किंतु बड कथा जे जिए खसेइ देला जिए षडयंत्रकारी ता पाखरे कमिश्नरेट पुलिस पहुचिबो त सीपी महोदय जो कथा कहउछंती सोमेंद्र प्रियदर्शी जे तदंत करा जिवो प्रकृत रे तदंत को नेकी राज्यवासी संदेह प्रकाश करिबा स्वाभाविक कारण एम तो बिरादरी ये संतोष उपाध्याय सार ये डीजी जेल डीजी ये एपर्यंत मुह खोलिले ये कहीं चुप रही नीरवता पचर रहस्य कौन ये पूरा षड़यंत्र मास्टर माइंड किए रिएक्शन नेबी बबीता पात्र आम सहित जोड़ी बीजेपी नेत्री मैडम एठी संदेह घर रे जेल डीजी एड़े बड़ क्रिमिनाल एड़े बड़ हार्डकोर क्रिमिनाल गैंगस्टर
ଖସି ଯାଉଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଭବିତା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2005 ମସିହାରୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧରେ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ଜଡିତ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଉଛି, ତିନି ଥର ସେ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଅଣାଗଲାଣି ଏବଂ ସିଏ ରାସ୍ତା କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ସିଏ କେମିତି ଏଠାରୁ ଖସିକି ଯିବ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖସିଛି ଏବଂ ଡିଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ। ଏହା ତ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ପୁଲିସର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆ ଉପରେ ମାନେ ଡିଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ସାବାସ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଛି। ଯଦି ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ସେଥିରେ ଆମର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତା ବୋଧେ ସେ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ଧରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବାସ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହାଇଦର କେଭଳି ଭାବରେ ଖସିଲା, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ଖସା ଯାଇନି ତ, ସେଥିରେ ଲୋକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିପିଲର ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଖସିଛି ହାଇଦର ମିଶି ଖସାଇ ଦେଲେ, ଏବେ ଧରା ପଡିଲା ବେଳେ ବାଜୁରୀ ନଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ସାବାସ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖସାଇଲା ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଭବିତା ମ୍ୟାଡମ୍, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ଯାହାର ନାମରେ ଏସବୁ ମାନେ ଏଲିଗେସନ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହା ନାମରେ ଏଲିଗେସନ ଆସିଛି, ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅପରାଧୀ କାହିଁକି ଯୋଉ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ମାନେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି ଯୋଉ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବବିତା ମ୍ୟାଡମ୍, ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଦେଲେ ନୟାଗଡ଼ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାରମ୍ବାର ପରୀର ବାପା ମା ନେଲେ ଏବଂ ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁ ଯିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେଥିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କର ବଡ଼ ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ୁ, ସେଠି ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଠି ବି ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାର ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି। ଭବିତା ମ୍ୟାଡମ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଏଭଳି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଅପରାଧିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2-3 ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଠିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଲୋକ କେବଳ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ, ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅପରାଧୀ, କିନ୍ତୁ ନା ପୋଲିସ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇପାରୁଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହାଇଦରକୁ ଫେରାର କରିବାରେ ତାର ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏହା ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯୋଉ ପୋଲିସ ନିଜ ପିଠିକୁ ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ଉଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ହାଇଦରକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଫେରାର ହେଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଫେରାରଟା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଫେରାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଉ, ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖାଯାଉ ଯେ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଫେରାର କରାଯାଇଥିଲା, ତା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା, ପିପିଲି ଇଲେକ୍ସନ ତ ନଥିଲା ନା, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମେ ବି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏତେ ବଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ମାନେ ସେ ଫେରାର କରାଯାଇଛି ଜେଲରୁ, ଯଦି କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରୁ। ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଅପରାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କାହା ନାଁ ଧରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜେଲ ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନବ, ଇଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଇଏ ତ ବିଲକୁଲ କେହି ଭରସା କରିବେନି।
प्रथमे जो डॉक्टर तांको को ट्रीटमेंट करूथिले सीए तांको को प्रथमे संदेह घेरे आसुछंती तेणु तांको विरुद्ध कार्यानुषान ग्रहण करा तांको को इन्वेस्टिगेशन तांको विरुद्ध करा जाउ ताहाले जणा पडिबो प्रकृत रे सी केमती सेत्रु खसिले एवं जो पुलिस अफिसर माने अछंती तांको केवल निलंबित कर देले हबनी सेही पुलिस कांस्टेबल होंतु बा पुलिस पुलिस माने होंतु सेमानंकु तदंत परिसरभुक्त करा जाउ सेमानंकर विरुद्ध कार्यानुषान ग्रहण करा जाउ एवं तांको को पत्र उत्तर करा जाउ जे प्रकृत रे केमती खसिले ताहाले जाय कि एथिरे प्रकृत रे जी अपराधी अछि एथिरे तो गोटे मास्टरमाइंड काम करछि ना एते सहजरे गोटे एते बड़ अपराधी एते सहजरे फिटी पारिबनि एथिरे गोटे मास्टरमाइंड काम करछि एवं जी से मास्टरमाइंड अछि तांको शीघ्र परिसरभुक्त करा जाउ तदंत परिसरभुक्त करा जाउ एवं तांको विरुद्ध रे तुरंत कार्यानुषान ग्रहण करा जाउ प्रत्येक क्षेत्र रे पुलिस तार जो भली भाबरे निष्क्रियता देखौछि जे बिरयानी प्रसंग जतबेले उठिला केमिति चीकी गले सीपी सोमेंद्र प्रियदर्शी टिके सुनि दियंतु टिके सर बिरयानी को आस्तेला देखंतु सेगुडा सब तदंत सापे क्यों बिरयानी किए खाइला ते कथा का आपनो काई पचर सर देशभक्त हैदर देखंतु प्रथम कथा हला बिरयानी से निजे खाइला बा कोन कला निशा केमिति हला एटा तदंत करा जीव बिरयानी रो निशा हला बोली कोनोसी कंप्लीट टीम सो आथिन बिरयानी काहे की खाइला किए खाइला काहे की आपण पचारुछंती एथि पई पचारुछु जे बिरयानी खोई के हैदराबाद पळेला बिरयानी खाइला किए केमिति खाइला प्रतिदिन बिरयानी कोठु आसुथला जो प्रश्न प्रकाश मिश्र पूर्वतन पुलिस डीजी उठेले जे जदि हैदर जणे किडनी पेशेंट ताकु मसलायुक्त खाद्य विभिन्न इनग्रेडिएंट रो खाद्य अधिक लुणयुक्त खाद्य बिल्कुल मना ये पुनी एसी केबिन रे रहुथला ये एथि खाइबा उपरे डाइट उपरे कंट्रोल थी बताले बिरयानी केमती जाउथला अनेक प्रश्न आसुची जे प्रश्न हैदर को की रोग होइतिला से बराबर एसी भी आसुथला ये प्रथम घटना नु आगरु भी बारंबार एसी भी आसीची आ एसी रूम रे रहिची काहे की किए सुविधा दोउथला काहे की से आसुथला ताकू संबलपुर रु अणागला एसी भी को किए जानिथिला काहे की अणागला तार रोग एते थिला जे ताकू एसी केबिन किए अप्रूव करेला जोठी बेड टे मिलिया पई नाही ताकू मिलिला केमिति ये तमाम प्रश्न आसुची आउ जेल डीजीपी को जेल डीजी संतोष उपाध्याय निरवता अनेक प्रश्न सृष्टि करुची अनेक संदेह सृष्टि करुची आउ तो सुन दियंतु सीपी कौन कहते ए भोलिया स्थिति रे जेते बेले एसीबी को बहुत रोगी आसंती एटा मैंडेटोरी नुहे जे से खबर एससीबी फांडी बा कमिश्नरेट पुलिस को आसी थाए एटा सेई बोली एटा सेई बोली गोटे खबर से जणेबार आगुरु से एटा नुआ आसी नांती सेटा जणेबार कोनसी आवश्यकता नाही जते बेले रोगी आसु छंती से सब तथ्य जणेबार आवश्यकता नाही ये जणे रोगी ये हैदर ये जणे सामान्य रोगी की ये परा राज्यर बड़ डन ये राज्यर बड़ गैंगस्टर आउ सी आसिक खबर दिया दिहबनी आउ आपत काजुअली आंसर देवे जे एत रोगी आसुंच देवार आवश्यकता नहीं तथ्य जमी दबार आवश्यकता नहीं ये से भली गोटे घटना फांडी को खबर दबार आवश्यकता नहीं जितेबाला गैंगस्टर हैदर रोचे खाली आउ गोटे गैंगस्टर आसब ता खबर भी फांडी जानवनी सी भी धक्का मार बिरयानी खुएब आउ छू मार आपड़ कहे आमर जानवर आवश्यकता नाला एमती चली पुलिस सिस्टम बबिता मैडम आपण सीपी रिएक्शन सुनिले ये दुर्भाग्यजनक कि नुह ये संतोष उपाध्याय को घंट घोड़ेबार बयान कि नुह दायित्वहीन मंतव्य दौंती दीदी बहुत मानने संगीन अपराधी गोटे आसुची ट्रीटमेंट होगा मेडिकल को ताकू भावरे से रखिए सी खसी पड़ेबार संभावना भी रोचे सेते बेले से दायित्वहीन भाव में कहते आम जानवा दरकार नहीं केते रोगी आसुचंती केते रोगी मध्य कौन संगीन अपराधी गोटे रोगी तार पुणी को रोग थी प्रकृत में वर्तमान जदि पुलिस प्रकृत में अपराध विरुद्ध जदि किसी तदंत कर प्रकृत में यही हैदर को कौन रोग थी से कौ रोग एते थर जावासिया कर संबलपुर मान भुवनेश्वर पर्यंत से रास्त तार जिते बेले मैंने पड़ूला से रास्ता को से निजे मास्टर माइंड रे से चिंता करता से किमी खसिकी जीव सी केते गुड़े गाड़ी सब योजना ये सब योजनाबद्ध भाव में सी गाड़ी गुड़िक बदल बदल जा पहुंची तेलंगाना मानने बहुत योजनाबद्ध भाव में मास्टर माइंड रे निश्चय से जेल हो कि पुलिस अधिकारी मानने संपृक्त अच्छा
कारण जो बिरियानी खायाकु दिया गला हैदर को ए ए जो 6 जन पुलिस कर्मचारी को से किबो भाबरे निशा दे पाला गोटे अपराधी मान को निशा दे पाला एवं माने निशा रे रहिले से खसी पयला ए ए भली भाबरे जहा कि गोटे माने फोपल्ला भली गोटे मंतव्य दउचंती ताहा अति संदेहजनक एवं सेमानक ऊपर ही आरोप आछी संदेहजनक न्याति धन्यवाद दिया जीव कमिश्नर पुलिस को जे हैदर को धरि छंती न्याति एथि सावासी मिलबारे कुंठा किछि नाही सावासी दबारे एथि पई जे हैदर को धरिले हैदराबाद रु धरिले किंतु मूल प्रसंग जोटा सेइटा को भूली न जानतु सेइटा को घंटो घोड़े दिया न जाऊ सेइटा को कॉन्स्पिरेसी करिकि चापी दिया न जाऊ एथि पई जे कमिश्नर पुलिस भलो काम करिछि हैदर को धरिछि हैदराबाद रु किंतु जो कथा सोमेन्द्र प्रियदर्शी कहउछंती जे षडयंत्र तदंत हबो ताकु नेकि प्रश्न उठिबा स्वाभाविक कारण पुरणा एग्जांपल सया कहउछि चापी देबे जे ये बिरादरी भाई भाई तदंत को आनिबेनी आ बड़ कथा जे सीपी जो कथा कहिले जे एते रोगी आसुछंती जणेबार आवश्यकता नाही सिक्त आनंद महांती आपण क रिएक्शन नेबी आपण पूर्वरु भी कहउथिले किंतु ए बाइट सुनला परे आपण आउरी क्लियर हे जाइथिबे जे कोउ ढंग रे सीपी उत्तर दउछंती ये तो गोटे घंटो घोडा अभियान दुर्गाशीष बाबू सीपी प्रश्न रे जो चिंकी उठिले एवं से पचारुचन जे तुम माने से बिरयानी कथा काहे की पचारुच से बुझी रखला दरकार जानी रखला दरकार जे गणमाध्यम रो प्रश्न जनतांक प्रश्न गणंक प्रश्न एणु गणंक लोकंकर प्रश्न पचारिबार संवाधिकंकर अधिकार रहिछे एवं से जेहेतु सरकारी तहबिल रु दरमा नउचंती एवं लोकंकर 4.5 कोटी जनतांक टिकस रु किछि दर अर्थ दरमा आकार नउचंती एणु सेमानंकर कथा रो उत्तर रखिबार तांकर दायित्व रहिछे गुरु दायित्व रहिछे एवं से जेभली भाबे कहउछन जे आसीबा जणेबार कोनसे आवश्यक नथिला तार अर्थ एमानंक पाखरे सबबेले खबर रहउथला आ पूर्वरु जे से केतेबेले मेडिकल को आसुछि एवं केतेबेले से क्वाडे जाउछि एही सब खबर बोध हुए सीपी निकट रे थिला बोली सीपी कहउछन्ती आउ आउटपोस्ट को जणेबार कोनसे आवश्यकता नथिला किंतु एठी बड़ प्रश्न जे प्रथमे जेल विभाग रो जे कि स्वास्थ्य विभाग रे कार्य करउछन्ती डाक्टर तांकरी कोऑर्डिनेशन एवं जेल सुपरिटेंडेंट तापर से माने काहे कि सिठु भीमसा को पठेले नाही भीमसारु सिठु रेफर हे कि कटक न आसी सीधा सळो काहे कि कटक आसीला एवं सिठु आसीवा पूर्वरु संबलपुर एसपी को काहे कि वागला नाही कटक रे पहुंचिला परे एवं डेल जेल रो डीजी महोदय किभलि भाबे जानिले नाही जेल डीजी को किभलि भाबे जने कुख्यात अपराधी रो संपूर्ण रूपे 6-7 19 दिन रो रिपोर्टिंग गला नाही किभलि भाबे साधारण जनता ता सहित बा तार संपर्क माने अति बारंबार देखा करूथले आ गोटे बड़ कथा लाइठी सिपिंग कर हुए तो कोनोसी प्रकार माने दायित्व हीरा बोली से भाबुथिबे किंतु बड़ कथा इठी जे हैदर कोटे साधारण जते परिमाण बड़ कष्ट रे से गिरफ होइथिला आज ताको खसेई दिया गला खसेई देला परे साधारण जनतांकर पाखा पाखी 7 कोटी टंकार निश्चित भाबे टिकस अर्थ ताको पुनस्थ धरिया पई खर्च होइथिबो अंतत पक्षे से बुझि रखिया दरकार 19 दिन रे अति कम से 60 लाख टंकार दरमा नउथुबा 6 जन कर्मचारी कटक रे केवल हैदर पई नियोजित आइथिले जदी कथार गुरुत्व नथिला ताहाले एही 60 लाख दरमा प्राप्य 6 जन कर्मचारी को 19 दिन पर्यंत पाखा पाखी सिठी रखिवार आवश्यकता कोन थिला सिठी एवं आजि हैदराबाद गला परे हैदराबाद जाई पूरी आसरे एते टंकार खर्च करि अणा गला ए जाबतीय खर्च कोन सिपी निज पॉकेट रो बहन करबे कि एटा बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न बारंबार आपण अपराधी कि फसैबे किसी ऑफिसर अपराधी को धरिबे एवं आपण आउ किसी ऑफिसर मिलित भाबे तार गुटे क्रियानुष्ठान करी ताकु फसेबारे कार्य करिबे ता पुनस्थ पुणे आमो टिकस रो अर्थ सिठी संपूर्ण रूपे ता पछारे नष्ट होबो या कोन गुटे साधारण कथा ए एभली भाबे यदि चालिबो राज्यर विकास केमिति होबो आ राज्यर भरोसा कोन रहबो केवल कोन मास्क आ हेलमेट ए दुइटा ही दायित्व के पुलिस रो ता सहित निश्चित भाबे माने जनसाधारण को सुरक्षा देबा अपराधी को तुरंत गिरफ करबा एवं जो हार्डकोर अपराधी माने क्रिमिनल माने अरेस्ट होचंदी तांको सपक्ष रे जहां रहीची विभिन्न जेल रा मैनुअल ताकु कि भली आबे कार्यकारी करबा ए समस्त कार्य मध्ये पुलिस विभाग रे एवं से आईएस आईपीएस मानन कर ये टिकस दातांको पैसा खसेई देबो तापर खोजिबो आ जो अर्थश्राद्ध हैला जो खर्च हैला तार उत्तरदायी किए ये उत्तरदायी ए महाशय ये डीजी जेल संतोष उपाध्याय आपण काहे कि चुप रहिचंती आपण उत्तर दियंतु ये आपण को दायित्व थिला खसाई देले आ जो टंका श्राद्ध हैला खर्च हैला ता पई उत्तरदायी किए केमिति खसी गला आ आपण को घंटा घोड़ा पई आपण को भाई माने भी बाहरी आछंती
ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏମିତି କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଆସିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଜି ଏସ୍ସିବିରେ, କାଲି କ୍ୟାପିଟାଲରେ, ପରଦିନ ଆଉ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଲୋକାଲ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବେନି ଏବଂ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଣ୍ଟ୍ରି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ଲଜ୍ରେ ରହିବେ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ, ଆଉ ଛୁ ମାରିବ ଆସାମୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅପରାଧୀ। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତାପରେ ଖୋଜିବେ, ଅପରେସନ ହେବ, ମିଳିବ, ମିଳି ନପାରେ ବି, ନ ମିଳିଲେ ମିଳିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବେ, ବାହାଦୁରୀ ମାରିବେ, ନିହାତି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଇମ୍ରାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଇମ୍ରାନ, ଏ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜଳ ଜଳ ହୋଇକି ଦିଶୁଛି, ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ ନେବେ ଇମ୍ରାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗତୀ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଯେଉଁଦିନ ଫେରାର ହେଲା April 10 ପାଖାପାଖି 4:30-5 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେବ, ଏବଂ ଫେରାର ହେବାର ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଲା ଏବଂ ତନାଘନା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ସେ କହିଲେ କି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସେଠି ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ MD ମହସିମ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ହାଇଦରକୁ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ରହୁଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ତିଆରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା କଥା କି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛୁ, ସେ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୋର୍ଟରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲା ହୁଅ, କୌଣସି ମ୍ୟାଟର୍ରେ ବି ହୁଅନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବୋଲିକି, ଯାହାକି କଟକ DCP ଏବଂ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ଆମକୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରହିଛି ହାଇଦର, ପୁରା ପୁରୁଣା କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ତାର ରହିଛି, ପୁରା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି କାହିଁକି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର SP, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ DIG, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପୁରା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ରହିଛି ବଡ଼ ଅବହେଳା ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ DG ସଞ୍ଜୀବ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ନା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ ତାହା ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀକୁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା କାହିଁକି ସେଠି ସୂଚନା ଦିଆଯିବା କଥା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇନୁ ବୋଲି ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା କି ହାଇଦର ଆସିକି କଟକରେ ଆସିକି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଖବର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଖବର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲା କିଏ? ତାହା ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଠାଯାଇଛି ସେଠୁ କୌଣସି ସୂଚନା ତାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଠୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା କଥା କଟକରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁରର ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା SP, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଯେହେତୁ ରହିଛି ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ DG ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଏଥିରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜେଲ୍ରେ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରହିଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କାହିଁକି ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉନି ବୋଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମାନୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା କଥା ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ DG ଜେଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନିରବତା, ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ହାଇଦରର ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କକୁ ନେଇକି ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଯେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିକି SCBରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର କି ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ଦିନ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ସେହି ରୋଗ ବାହାରିଲା କି, ଯଦି ବାହାରିଲା କାହିଁକି ବାହାରିଲା, କିଏ ତାକୁ AC ରୁମ୍ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, AC କ୍ୟାବିନ୍ ତାକୁ କେମିତି ମିଳିଲା, ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ହାଇଦରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଏବଂ ୟା ପରେ ପଛରେ
पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अच्छी ना ना ताहा भी बड़ प्रश्न किंतु संदेह घेर में डीजी जेल संतोष उपाध्याय सुक्तानंद महांती आपंक रिएक्शन ने भी जे जो कथा आप कहते जेल मानुआल को मानवा कथा विभिन्न समय रे ये षड्यंत्र करा जाए एबे ताकू धरागला बहादुरी नहीं गले सावासी न्याति सावासी दिया जावा दरकार कमिश्नरेट पुलिस को किंतु या भितर समस्त भूली जिबे आ ए घटना भी चापी होई जिवो सुक्त महांती नहीं सावासी सावासी कि भली भाबे आमे दबा माने जण को फरार करेबे बहु कष्ट रे जो अपराधी को गिरफ करा जायतिला ताकू जेल जेल दंड भोगिवारे बहु टंका खर्च होला पर से जेल दंड भोगितले तापरे सही भली एक अपराधी को सुचिंतित भाबे फरार करेबा तापरे ताकू धरी बाहबा नेबा एहा कोन प्रशंसार पात्र कि एहा कदा भी प्रशंसार पात्र ही नुह कि एहा को केबे भी हम प्रशंसा नहि थांता जेहेतु धरा हला गैंगस्टर एवं आसिला सेहिति पई प्रशंसा करा सेहिति पई साबासी दिया जाउछि कमिश्नरेट पुलिस को किंतु आपण जो कथा कहिले से पूरा संदेह घर रे जे खसेई देबे तापरे धरिबे आ साबासी नेबे किंतु एहिति पई साबासी जे से गैंगस्टर धरा पड़ला कम से कम खसी जाइनी बा पळेई जाइनी कम से कम ताकू धरिबारे सक्षम हेछंती किंतु तांकर त्रुटि कोंतु बा जानी सुडी षड्यंत्र कर कोंतु पुलिस डिपार्टमेंट रो एटा पदार पड़ी जाई छी सुक्त महांती आपण जो कथा कहउछंती निश्चित हबे सेमानक भितरे थिबा गोटे योजनाबद्ध फरार करैबार जो षड्यंत्र ताहा निश्चित हबे दांडरे पड़ी छी एवं उपरे निश्चित हबे जोडा कि प्रकाश मिश्र विगत दिन रो पुलिस डीजी कथा उठैछंती प्रसंग उठैछंती जे आरी पछरे केउ प्रछन्न हात रही छी बड़ बाबूंकर ताहारी तदंतर आवश्यकता रही छी किंतु सीपी महोदय सही सब व्यक्ति निकट में पहुंची तांकू तदंत परिसरभुक्त करें कि प्रथम यहाँ सब बड़ प्रश्न कहीं ओडिशा शासन व्यवस्था बर्तमान एभली अवस्था आज मंत्री एवं आईएएस आईपीएस मान जो कौन भूल करती निकट में तदंतकारी अफिसर आज पर्यंत पहुंची पार ना परी कथा कहतु बा महांगा डबल बॉर्डर कथा कहतु कि दिवशंकर सिंह केस जोटा कि विगत दिन कलाहांडी घटी अनेक कथा से क्षेत्र में भी कहतु मंत्री कौन से कार्यानुषाना कि आईपीएस अफिसर मान कार्यानुषाना इटि सब बड़ प्रश्न जे जो भाई भाव फेरार कर दिगला विगत दिन में यह मानते आप एड़े पारे ना मुझे अनुभव करुच्ची गणमाध्यम जो भाव सरकार विफलता को पिपिली उपनिर्वाचन समय पर्यालोचना करुला ता सरकार को बेकफुट रखुला एणु गणमाध्यम निश्चित भाव सरकार विफलतार आलोचना को दूरे दवापाई बोध हुए यह एक षड्यंत्र हाइदर को फेरार कर गोटे गैंगस्टर को फेरार कर निश्चित भाव ता संपर्क में आलोचना गणमाध्यम चलो सरकार विफलता किसी दिन गणमाध्यम दूरे गोटे षड्यंत्र जाणी शुणी हाइदर को खसई दे कि गणमाध्यम को डायवर्ट करवा बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी होते सुक्त अनंत महांती वरिष्ठ सांबादिक जो कथा कहते जे जेल मानुआल को मानुना ये षड्यंत्र जेल डीजी जी अच्छा संतोष उपाध्याय से संदेह घर में गीताराणी पंडा मैडम आम सहित जोड़ी होती अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी मैडम आज सीपी प्रेस मीट आप देखी थे सीपी कहते जे किए आसिक एससीबी में आडमिट है से विषय में पुलिस फांडी को जनवर किसी आवश्यकता ना किए रोगी आउ हाइदर यांको भितरे डिफरेंस अच्छी ना नहीं आउ जेते बेले गोटे गैंगस्टर आसिक आडमिट होउची गोटे डन आसिक आडमिट होउची ता विषय रे जणेबार आवश्यकता अच्छी ना नहीं मैडम तकु तो से गोटे बने वेटरन क्रिमिनल आउ तकु 15 जो 6 जण एस्कॉर्ट पार्टी पठेतिले एसपी संबलपुर सेमाने तो माने 24 आवर्स गार्ड करके रखा तथा तांकर लापरवाही हो किंबा से ताकू सपोर्ट करंतु तांकर लगे बोली करी आ जे हमर मेडिकल स्टाफ अछते तांकर लगे तांकर नेग्लिजेंस रही से तमाने फेरा दिखला जदि से माने गोटे वेटरन क्रिमिनल को गोटे डिस्ट्रिक्ट रु अन्य डिस्ट्रिक्ट को पठाउछती मेडिकल ग्राउंड रे एटा समस्त को इन्फॉर्मेशन करबा कथा जे इन केस किसी असुविधा हेले ताकू सपोर्ट मिली था पुलिस रो सपोर्ट मिली था जदि आमर कमिश्नर कटक रो कमिश्नर तांकू जदि खबर दी था से निश्चित भाव रे तांकर आडो भी सपोर्ट दे था एस्कॉर्ट दे था जदि किछि असुविधा पड़ी था इन्फॉर्मेशन देबाटा माने इंटेलिजेंस कहुची गोटे वेटरन क्रिमिनल दैट टू अंडर ट्रायल प्रिजनर से ताकू जेल कस्टडी रु नहींक जाऊँच जुडिशियल रु अर्डर करके सबुआड़े इनफर्मेसन देवार कथा जेहेतु तमने गार्ड करेंगे जापारी नाप करता जदि से गुड़ाक स्टेप नहीं था
इंटिमेशन देबा कथा केमिति कहउछन्ति जे इंटिमेशन माने ये सोमेंद्र प्रियदर्शी सिपिंगकर गोटे दायित्वहीन मंतव्य कारण ये आज हैदर खसी गला कल आउ को क्रिमिनाल हॉस्पिटल को आसीबो लोकल पुलिस जानिबनी से बिरयानी खोए कि खसिकी पलैबे किंबा विषाक्त द्रव्य पकई खसिकी पलैबे आ पुलिस कहिबो आमको जणैबार आवश्यकता नथिला गोटे त मैंने एस्कर्ट पार्टी दे कि छाड़ी दौंती आउ किसी रेस्पोन्सिबिलिटी नौ ना एस्कर्ट पार्टी भी मनोमुखी ड्यूटी करापर भी से एक्शन नौ ना एमती बहुत हार्ड एंड क्रिमिनाल्स अच्छा जदि ठीक भाव में एस्कर्ट कर मेडिकल प्रोसीजियर से ट्रीटमेंट नहीं पारे एगुडा को मैंने नेग्लीजेंस छड़ा कि नुहे एटा तमने हमरो जो प्रिजनर रो जो आईजी अछंती से भी एक खबर देबा कथा जे जोंडे हार्ड एंड क्रिमिनल हमरो संबलपुर रु कटक आइछि माने कटक माने हमरो सिपिंग को भी से इन्फॉर्मेशन देबा कथा जे तांकर निगरानी रे से रहिबो बोली कि से माने प्रियदर्शी सम्य प्रियदर्शी जे अछंती से निजे जानिबा कथा जे किमते गोटे फेरर हला पर एते एक्टिवली कोन पई काम करले जदि आगरू जानी थांते तो ताहले स्केप करी पारी न थांते यति मैडम आउ गोटे बड़ प्रश्न सोमेंद्र प्रियदर्शी का उत्तर एया लागुची जे सीए जेल विभाग को घंट घोड़ा पई चेष्टा करुछंती ये भाई भाई एवं घंट घोड़ा पई एथि पई चेष्टा करुछंती नहले एमिति उत्तर बिल्कुल एमिति उत्तर तांकडो एक्सपेक्ट करा जाउ नथला ऑब्वियसली से माने नेग्लिजेंस टाइप रो इंसर्ट दउछंती एथिरे हमर जेल अथॉरिटी माने कंप्लीटली सपोर्ट करूची हैदर को जे बारंबार से एसीबी को मेडिकल गोटे सामान्य डिजीज पई मेडिकल को पठेबा माने तार प्लान थिला हैदर रो तार फैमिली मेंबर संगे मिसिबो एसीबी को आसिले ताको सुविधा मिसिबो मिलिबो एस्केप करिवा पई एटा जो माने जेल अथॉरिटी जानिबा कथा बारंबार कटक न पठाई से गुंडा भी ट्रीटमेंट कर कहीं गुंडा बहुत गुड़े माने बड़ बड़ माने भल माने जो डॉक्टर अच्छा से माने ट्रीटमेंट करते कौन पर गोटे मेडिकल बोर्ड बसई पारे ता लगे सेटा आम जुडिशियल थ्रू रे सेटा जेल कर्तृपक्ष करवा कथा सेटा करना डायरेक्ट एसीबी को पठाई स्कोप एस्केप करने बहुत बहुत धन्यवाद गीताराणी मैडम थिले बहुत बर्षर अभिज्ञता अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी एवं से कहउछंती जे लोकल पुलिस को जणैबार आवश्यकता एथि पई थिला जेहेतु हैदर गोटे गैंगस्टर गोटे डॉन एवं से गोटे बड़ अपराधी गोटे बड़ क्रिमिनाल ता विषय जणैबार आवश्यकता नथिला किंतु सोमेंद्र प्रियदर्शी जाणी सुणी एभली मंतव्य दैछंती कारण जेल विभाग को बंचा पई आउ संतोष उपाध्याय जे जेल डीजी ताकु बचा पाई जो प्रश्न आसुची जे ताकु की रोग होता जे बुल्लारे ट्रीटमेंट हो पार्लानी एसीबी ट्रीटमेंट है जदि एत रोग होता से बिरयानी केमती खाऊला किमी घर लोक भाई ता पुओ ता पुतुरा ता सला समस्त को अलाउ कर भेटापी कि भाव जो मैंने एस्कर्ट्रे जाकि होटेल रोते कि भाव लोकाल पुलिस को खबर दिगला ना ये पूरा घटना रे जेल विभाग एसीबी आउ पुलिस मिली भगत रे हैदर को खसईदे चाप पड़ला धरले आहवा नौचंती किंतु षड़यंत्र किए से सामना को आसबार आवश्यकता रही आउ डीजी जेल डीजी संतोष उपाध्याय एवं मुह खोलतु आहतु पूरा घटना कौन जदि आप मुह न खोलिबे ताहले आपण प्रति सन्देह राज्यवासी आहरी बढ़ समस्या सही आमर विशेष उपस्थापना दोष स्वीकार करेंगे कि संतोष उपाध्याय ए कार्यक्रम को यही रखुची नमस्कार।